बैलेंसिंग ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था एंड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी सॉ द बेसिक्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। वी टॉक्ड अबाउट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन सेपरेटली और हमने ऑक्सीडेशन नंबर की बहुत ज़्यादा डिटेल देखी थी कि ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली किस तरीके से इक्वेट किया जा सकता है। टुडे वी आर गोइंग टू सी के इस रिडॉक्स इक्वेशन, जब आपके रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास आ जाता है, हाउ यू कैन बैलेंस इट यूजिंग दी ऑक्सीडेशन नंबर्स। दिस टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लेक्चर पर्टिकुलरली इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको अमूमन एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है इस तरह का इन जो बोर्ड एग्जाम्स, जिसमें आपको रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है, आइदर विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और विद द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। टू स्टार्ट टेलिंग यू ऑल दिस, आई विल टेक अ सिंपल एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक, फॉस्फोरस प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस वाटर गिव्स यू फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, दिस इज टेक्निकली ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड and nitric oxide which is NO. It is very obvious that things are not balanced on the left hand side and on the right hand side. You can see most of the things are not balanced. How? You see there is four oxygens on the left hand side, or right side pe 4+1, 5 oxygens hain, theek hai? And बाकी चीज़ों पर उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर मैं मैनुअली इसको करना शुरू कर दूं। नाउ देयर इज अ सिस्टमैटिक वे जिसमें इनिशियली आप ये करते हो, हर चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हो, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। हम स्टेप वाइज इसको लेके चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, हर चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, हर चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, मैं इस पूरी इक्वेशन को बार बार रिपीट करता जाऊँगा, सो लेट मी कॉपी दिस वंस एंड इसको फिर मैं बार बार कॉपी एंड पेस्ट करता जाऊँगा। So let's start the complete procedure. The first step is to write down the oxidation numbers of everything. Phosphorus has an oxidation number of 0 here, क्योंकि ये atomic form के अंदर है। Atomic form का मतलब है कि ना इसके साथ कोई element, इससे कोई electron ले रहा है ना दे रहा है, so it is in its ग्राउंड स्टेट यानी जीरो के अंदर है। HNO3 के अंदर हर चीज का आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें आप +1 लोगे, ऑक्सीजन 3 है तो 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 का -2 होता है तो 3 का हो गया -6। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहां पर आपको नहीं पता, ठीक है, यू पुट इट इक्वल टू एक्स। एंड बाकी यहां पर 2 हाइड्रोजन हैं, इनका +2 होगा, एक ऑक्सीजन का -2 होगा, हाइड्रोजन एक हो तो उसका +1 होता है, यहाँ पे 2 हैं तो उनका +2 हो गया। ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव 3 हाइड्रोजन्स, सो यू हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हियर। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं पता, पुट इट इक्वल्स टू एक्स, एंड 4 ऑक्सीजन्स का -8 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज एक्स एंड ऑक्सीजन इज -2। अब जिन जिन चीजों का नहीं पता, जिनको मैंने x लिखा है, अब उनकी वैल्यू निकालते हैं। HNO3 पे ओवरऑल चार्ज क्या है, 0। सो हाइड्रोजन तो आपको हमेशा +1 ही होता है ना, नॉर्मली ऑक्सीजन -2 होता है, इन दो का तो आपको पता था। विद द हेल्प ऑफ दीज अदर टू आप ऑक्सीजन की नाइट्रोजन का चार्ज निकाल सकते हो, पुट इट इक्वल्स टू 0, यू विल गेट x इक्वल्स टू 6 -1 इक्वल्स टू 5। सो इन HNO3 द चार्ज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज +5। बाकी आपको फास्फोरस के यहां पे पता है, H2O का भी पता है, लेट्स कम हियर, यहां पे भी आपको x की वैल्यू नहीं पता, पुट इट इक्वल्स टू 0, यू विल गेट x इक्वल्स टू 8 -3, यू विल गेट x इक्वल्स टू +5। सो अगेन H3PO4 में यू हैव फाउंड आउट कि फास्फोरस पे चार्ज जो है वो +5 है। कम हियर नाउ, नाइट्रोजन पे पुट एक्स -2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज नहीं है कोई कंपाउंड के ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यू गेट +2। सो यू हैव ऑल्सो फाउंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक हो गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें आपने क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हर चीज का अलग अलग में निकालना होता है, एंड दिस इज बेसिकली अ रिविजन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस लेक्चर। The second step is an extension of the first step. I'll write it down here.
this is your reaction as it was previously. Your second step is identify change in oxidation number. Oxidation number ko I'll be writing ON from now on. You have to identify the change in oxidation number. You know, yahan pe phosphorus pe kya charge hai? 0. Yahan pe hydrogen pe kya hai? Plus 1. Yahan pe nitrogen pe kya hai? 5. Abhi aapne upar nikala tha. Oxygen pe kya hai? Minus 2. Yahan pe hydrogen pe kya hai? Plus 1. Main sirf abhi overall 2 ka nahi likh raha, main ek ek ka likh raha hu filhal. Oxygen ka kya hai? Minus 2. Hydrogen ka kya hai? Plus 1. Phosphorus ka kya hai? Aapne nikala tha yahan pe plus 5. Oxygen ka kya hai? Minus 2. Nitrogen ka aapne nikala tha plus 2. And oxygen ka aapne nahi nikala tha, wo to hame waise hi pata. Ab aap ye dekho ki kaun sa aisa element hai jiska charge change ho raha hai ya jiski oxidation number change ho rahi hai. Look at phosphorus here. It has a charge of 0. Look at phosphorus here. It has charge of plus 5. Phosphorus ka charge kya ho raha hai? Increase ho raha hai. So definitely yahan pe ek change aa raha hai. Yun line laga ke aap inko aapas mein jod dete ho. Theek hai? Identify hydrogen here. Hydrogen yahan pe plus 1 hai, yahan pe plus 1 hai, right side pe bhi ek hi jagah pe aa raha hai, usme bhi plus 1 hai. Hydrogen ke charge pe koi fark nahi pad raha. Look at nitrogen here. Nitrogen is plus 5 here. Nitrogen is plus 2 here. So nitrogen ka charge कम हो रहा है when changing from nitric acid to nitric oxide and phosphorus का चार्ज बढ़ रहा है जब आप simple phosphorus से atomic phosphorus से आप phosphoric acid पे जा रहे हो. So in fact चार्ज जब बढ़ता है तो last lecture मैंने आपको बताया था इसको हम बोलते हैं oxidation. ठीक है, I'll write it in grey now. This is oxidation and जो नीचे वाला line है this is going the decrease in the charge, this is reduction. This is actually the second step of this procedure jisme you have to identify the change in oxidation number aur usse aapko ye pata chal jata hai ki kahan pe reduction aur kahan pe oxidation ho rahi hai. I hope you are clear about it. I'll write it a little bit neat now. Phosphorus plus HNO3 plus water is changing into H3PO4 plus nitric oxide. Abhi we discussed ke phosphorus ka charge yahan pe 0 hai and yahan pe plus 5 hai. So phosphorus chunke iska charge bad raha hai, so we'll say ke ye step oxidation ho raha hai. And nitrogen yahan pe plus 3 hai, plus 5 hai yahan pe. And nitrogen yahan pe plus 2 hai, यहां पे प्लस 5 है एंड यहां पे प्लस 2 है, ऊपर स्टेप में आपने निकाला था. सो नाइट्रोजन जब इससे इसमें चेंज हो रहा है तो ये रिडक्शन हो रही है. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्टेप, स्टेप सी. आपको अब ये भी पता चल चुका है कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी रिड्यूस हो रही है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बैलेंस देम. This is the most tricky part जो बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है. अब यहाँ पे देखो phosphorus पे charge था 0, यहाँ पे क्या हो गया phosphorus पे charge plus 5. 0 से जब charge plus 5 में जा रहा है और हो oxidation रही है, oxidation का electron से क्या ताल्लुक होता है? Oxidation is removal of electrons. So basically अगर एक element A है उससे आप एक electron निकाल दो तो एक चार्ज का डिफरेंस पड़ जाएगा, 0 से प्लस 1 पे चार्ज चला जाएगा, यानी एक चार्ज बढ़ेगा. अगर आप 5 चार्ज बढ़ाना चाहते हो सो आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे. एग्रीड? गुड. सो आई मीन टू से कि ये जो ऊपर आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं ऑक्सीडेशन वाले स्टेप में बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन्स माइनस होंगे, माइनस 5 इलेक्ट्रॉन. माइनस का मतलब है निकाल रहे हो आप, और रिडक्शन में हमेशा ऐड होते हैं. रिडक्शन में इफ यू सी reduction is addition of electrons and addition of electron agar ek element hai A aur iske andar main ek electron add kar dun to kya hoga, iska charge jo hai wo A
माइनस वन हो जाएगा. यहां पे था जीरो, यहां पे हो गया माइनस वन, यानी चार्ज एक कम हो गया. जीरो से कम होने का मतलब है माइनस वन. सो अगर आपने पांच दफा चार्ज कम करना है तो आपको पांच इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे. लेकिन अगर यहां पे आप गौर करो, चार्ज प्लस फाइव से प्लस टू पे आ रहा है, यानी कितने चार्ज का फर्क पड़ रहा है, तीन का. सो ओवरऑल एक्चुअली तीन इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं. तीन इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने की वजह से चार्ज प्लस फाइव से प्लस टू पे आ रहा है. ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, ये बाद में कंफ्यूजन ना बन जाए आपके लिए. दिस इज प्लस टू. दिस इज एक्चुअली द थर्ड स्टेप जिसमें आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अलग अलग में. द फोर्थ स्टेप इज, जो भी थर्ड वाले के साथ ही मैं इसको लेके चलूंगा, पहले लेट्स कॉपी द कंप्लीट रिएक्शन एज वी हैव बैलेंस्ड इट, एज वी हैव फाउंड इट. द फोर्थ स्टेप इज इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वेट करने के लिए आई विल बी यूजिंग द सेम रिएक्शन जो ऊपर से मैंने कॉपी किया हुआ है. यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पांच निकल रहे हैं, ठीक है, और इस्तेमाल कितने हो, रिडक्शन में बेसिकली आप यूं इसको समझो कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं और ऑक्सीडेशन में आपको मिल रहे होते हैं. सो ऑक्सीडेशन में आपको पांच इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, रिडक्शन में तीन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये तो काम खराब हो गया ना. ऐसा तो हो नहीं सकता किसी रिएक्शन में, पांच जितने यहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही इस्तेमाल होने चाहिए. इन दोनों को बराबर करने का क्या तरीका है, इक्वेट करना है आपने, बराबर करना है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को. पांच और तीन को बराबर करने का मतलब है पांच और तीन का जो एलसीएम है आप उसके इक्वेट कर दो इन दोनों के बराबर, जो आप सिंपल मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है. अगर ये एक फॉस्फोरस एक पी जीरो से एक पी प्लस फाइव में जाता है तो पांच इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इसके अंदर से. अगर दो फॉस्फोरस होंगे और यहां पे भी अगर दो फॉस्फोरस होंगे तो टोटल दस इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि यहां पे पीछे कोई ना कोई नंबर ऐड कर सकते हो यहां पे भी, जिसके लगाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स बदल जाएंगे. ठीक हो गया. सो लेट्स नाउ सी कि पांच और तीन को बराबर करने के लिए आपको किस नंबर के बराबर पुट करना पड़ेगा. पांच और तीन को इक्वेट आप कर सकते हो 15 से. अगर यहां पे पांच इलेक्ट्रॉन एक फॉस्फोरस से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अगर तीन फॉस्फोरस हो और यहां पे भी तीन लगा दो पीछे, ये तीन लगाने से अब क्या हुआ कि ओवरऑल अब तीन फॉस्फोरस के अंदर चेंज हो रहे हैं. और एक से अगर पांच निकल रहे थे तो तीन से 15 निकलेंगे. ठीक हो गया. अब इन 15 को आपने इस्तेमाल भी कराना है रिडक्शन में. इनको रिडक्शन में इस्तेमाल कराने के लिए यहां पे तीन इस्तेमाल होते हैं. अगर एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल एक नाइट्रिक ऑक्साइड में बदले तो तीन इस्तेमाल होते हैं. तो अगर पांच नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स पांच नाइट्रिक ऑक्साइड्स में बदलें तो ओवरऑल तीन की बजाय 3 5s are 15 हो जाएंगे. इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप. इफ अगर आप इसको सिस्टमैटिकली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, आपने किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है. ऊपर आपके पास पांच था, पांच को आपने 15 बनाना था और नीचे तीन को आपने 15 बनाना था. ये बिल्कुल एलसीएम लेने वाली बात है. और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ओवरऑल सेम इक्वेट करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस नंबर को आपने यहां पे साथ मल्टीप्लाई कर देना होता. एग्रीड. जब आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर दिया है, नाउ 90% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन. अब अगला स्टेप में आपने क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इनिशियली तो आप इसको लिखो, 3p प्लस 5 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स प्लस आ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स 3 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स प्लस 5 नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स. सॉरी, जो फिफ्थ स्टेप है दिस इज कॉल्ड इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन कैसे करते हैं इंस्पेक्टर, वैसे जो इंस्पेक्शन हम वैसे करते हैं जैसे आप एक इंस्पेक्टर बन जाओ, आप एक इंस्पेक्टर बन जाओ और आप इसकी तफ्तीश करो इस रिएक्शन की और आप देखो कौन सी चीज अभी रह गई है, कसर किस चीज में बच गई है. फॉस्फोरस तो आपने बराबर कर दी है, ठीक है. यहां पे कितने फॉस्फोरस हैं, तीन. यहां पे कितने हैं, तीन. यहां पे नाइट्रोजन्स कितने हैं, पांच. यहां पे कितने हैं, पांच. फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के अलावा चीजें कौन कौन सी हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कुछ है नहीं, और कुछ भी नहीं है. अब इसका मेथड ये होता है कि आपने
पहले चेक करना होता है कोई और चीज तो नहीं है, हो सकता है कोई और चीज भी होती है, उसको हम ए नाम दे देते हैं। सबसे पहले आप ए को इंस्पेक्ट करो, उसके बाद आप ओ को इंस्पेक्ट करो, और फिर आप एच को इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने का मतलब यह है कि आप उनको बराबर पुट करो, यानी बैलेंस करो, जो आप डायरेक्ट मैनुअल तरीके से बैलेंस करते हो, मैनुअल बैलेंसिंग को इंस्पेक्शन कहते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग प्रीवियसली। अब चूंकि इसमें कुछ और तो है नहीं, ऑक्सीजन को मैं पहले करूंगा और फाइनली मैं हाइड्रोजन को करूंगा। ऑक्सीजन देखो यहां पे कितने लेफ्ट साइड पे, 5 3s are 15, इसमें 15 ऑक्सीजन हैं और यहां पे एक है, तो ओवरऑल 16 ऑक्सीजन हो गए लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे देखो 3 4s are 12 हो गए इसके अंदर, एंड 5 1s are 5 हो गए इसके अंदर। राइट साइड पे कितने हैं, 12 and 5 16 एंड 1 17, सॉरी ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव 17, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव 16। तो लेफ्ट साइड पे इसका मतलब है एक की कमी है। अब वो एक कमी पूरी करने के लिए मैं अब इस पांच को नहीं छेड़ सकता। कीप इन माइंड, आपने इस पांच को अब नहीं छेड़ना, आप यहां पे एक टू लगा दो। इस टू लगाने से ये होगा कि अब यहां पे ये एक था, अब ये दो हो जाएंगे, और 15 और 2 ऑक्सीजन आपने पूरे कर दिए। अब आ जाओ हाइड्रोजन के ऊपर, लेफ्ट साइड पे देखो कितने, 5 हैं इसमें, मैं इस पिछले वाले को रिमूव कर देता हूं, 5 हैं इसमें और 4 हैं इसमें। ठीक है, राइट साइड पे आप देखो 3 3s are 9 है इसमें, एंड इसमें कोई भी नहीं है। अब लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 5 and 4 9, राइट साइड पे कितने हैं, 5 and 9, तो इसका मतलब हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो योर फाइनल रिएक्शन विच इज बैलेंस्ड इज 3 phosphorus + 5 HNO3 + 2 H2O इज गोइंग टू गिव यू 3 H3PO4 + 5 NO। अब आप सोचो जरा, इसको मैनुअल आपने करना शुरू कर दिया होता तो क्या आप अभी इस कंक्लूजन पे पहुंचते? कभी भी नहीं। नेवर ट्राई, ये मेरी एक एडवाइस समझ लो, नेवर ट्राई टू बैलेंस अ रेडॉक्स रिएक्शन बाय इंस्पेक्शन। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ओवरऑल बैलेंसिंग आपको दी जाती है ना किसी रिएक्शन की, लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल, इट्स अगेन फ्रॉम योर बुक, आई वॉन्ट कि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए, HNO3 + hydrogen sulfide गिव्स यू नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस सल्फर प्लस H2O। अब थोड़ा स्टूपिड तरीका जो है ना, वो बच्चा ये कर सकता है कि वो डायरेक्ट देखना शुरू कर दे कि कहां पे मैं क्या लगाऊं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कितने हाइड्रोजन, 2, सल्फर देखो यहां पे कितना है, 1, यहां पे भी 1 है, सल्फर तो बैलेंस्ड है। यहां पे देखो नाइट्रोजन कितने हैं, 1, इधर कितने हैं, 1, नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है। अब आप देखो ऑक्सीजन कितने हैं यहां पे, 3, राइट साइड पे कितने हैं, 2। अब राइट साइड पे आपने 3 करने हैं किसी तरीके से, तो यहां पे तो मैं 2 नहीं लगा सकता क्योंकि नाइट्रोजन खराब हो जाएंगे, यहां पे लगा दो तो 3 हो गए ऑक्सीजन। अब सिर्फ मसला रह गया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां पे देखो हैं 4, और ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव 3, सॉरी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव 3। अब यहां पे 4 करने से बाकी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आप समझ रहे हो बात को। यहां पे मैं अगर कोई और, यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन्स को 4 करने के लिए अगर मैं यहां पे 2 लगा देता हूं, तो अब नाइट्रोजन्स बदल जाएंगे और ऑक्सीजन बदल जाएंगे, फिर सारी कहानी फिर बदल जाएगी। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड स्टूपिड वे ऑफ बैलेंसिंग। रीजन बीइंग कि आपको शुरू में देख के नजर आ जाना चाहिए था कि दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, यू मस्ट नॉट डू इट बाय इंस्पेक्शन डायरेक्टली। ये जो मैं अभी कर रहा था ना, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन, और ये कभी भी नहीं करनी आपने डायरेक्टली। आखिरी स्टेप पे आके आपको इंस्पेक्शन करनी पड़ जाती है, लेकिन उससे पहले आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना जरूरी होता है। ये जो ऊपर मैंने रिएक्शन लिखा है, मैं जल्दी से इसको बैलेंस कर देता हूं फॉर योर कन्वीनियंस। HNO3 + H2S चेंजेस इनटू NO + S + H2O। HNO3 में हाइड्रोजन इज +1 charged, नाइट्रोजन के चार्ज को आप +X ले लो, और 3 ऑक्सीजन -6 = 0, एंड यहां से आप X की वैल्यू निकाल लो, इट इक्वल्स टू +5। सो नाइट्रोजन हैज +5 charge हियर, N+5 है यहां पे। H2S में यू सी 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2 हो गया, 1 के ऊपर +1 होते हैं, 2 के ऊपर +2 हो गया, और सल्फर के चार्ज को आप +X ले लो, X,
and again put it equals to 0, you'll get x equals to minus 2. So sulfur has a charge of minus 2 in H2S. In NO, which is nitric oxide, put nitrogen x, put oxygen minus 2 equals to 0, you'll get x equals to plus 2. So nitrogen has a charge of plus 2 in nitric oxide. Sulfur चूंकि यहाँ पे atomic state में है, तो directly आप कह सकते हो कि इसका charge 0 है यहाँ पे. और H2O में आपको पता है कि hydrogen का charge plus 1 होता है और oxygen का minus 2 होता है, तो दो hydrogen का plus 2 और एक oxygen का minus 2, ये overall इस तरीके से balance हुआ है. अब आपने अगले step में identity, ये मैंने पहला step किया. पहला step क्या था? Write down the oxidation numbers. पहला step हो गया. दूसरा step था कि आप identify करो कि किसका number जो है वो change हो रहा है. किसका चेंज हो रहा है? नाइट्रोजन का यहां पे कितना है प्लस 5, यहां पे कितना है प्लस 2. सो डेफिनेटली नाइट्रोजन का चार्ज डिक्रीज हो रहा है. नाइट्रोजन की रिडक्शन हो रही है कि ऑक्सीडेशन? शाबाश, कम हो रहा है चार्ज, तो आई कॉल इट रिडक्शन. और सल्फर का चार्ज माइनस 2 से 0 पे जा रहा है, तो सल्फर का चार्ज बढ़ रहा है, तो आई कॉल इट ऑक्सीडेशन. मैं इसको रिमूव कर देता हूं ताकि ऊपर कुछ स्पेस बन जाए हमारे लिए. नाउ इट इज गुड. सल्फर का चार्ज जो है माइनस 2 से 0 पे जा रहा है, यानी बढ़ रहा है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन. अब सल्फर का चार्ज देखो माइनस 2 से 0 पे जा रहा है, दो का चार्ज का फर्क पड़ रहा है. ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं. और रिडक्शन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं. यहां पे 5 से 2 पे चार्ज जा रहा है, यानी 3 का फर्क पड़ रहा है, सो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं. ठीक है, या आपने बेसिकली दूसरा और तीसरा स्टेप भी अब साथ में ही कर दिया है. अब आपने चौथा स्टेप जो था, इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहां पे 3 इस्तेमाल करने हैं, प्रोड्यूस 2 हो रहे हैं ऑक्सीडेशन में, तो 3 और 2 को बराबर करने के लिए आपको एलसीएम 3 और 2 का 6 होता है, आपको 6 करना पड़ेगा दोनों को. तो यहां पे अगर 2 प्रोड्यूस होते हैं एक सल्फर से, तो 2 को 6 कराने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो ये 3 सल्फर हो जाएंगे और ये भी 3 सल्फर हो जाएंगे. तो ये अब 1 की बजाय, सॉरी 2 की बजाय 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. इसी तरह नीचे 6 इस्तेमाल करवाने के लिए 3 इस्तेमाल होते हैं ना, अगर एक नाइट्रोजन चेंज हो रहा हो. अगर 6 इस्तेमाल कराने हैं तो यहां पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से भी 2 से, और ये ऑटोमेटिकली 3 6 के अंदर फिर चेंज हो जाएगा. ये आपने चौथा स्टेप भी कर दिया. पांचवा स्टेप था आपके पास इंस्पेक्शन, और अब मैं इंस्पेक्शन कर देता हूं. ये चूंकि 2 आपने मल्टीप्लाई किया नाइट्रोजन से, तो ये पूरे के साथ एक्चुअली 2 आ गया. 2HNO3 प्लस, यहां पे ये 3 सल्फाइड, ये H2S का सल्फाइड था, तो ये 3 H2S हो गया. चेंजेस इनटू, ये 2 नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रोजन था, सो 2NO प्लस 3 सल्फर प्लस H2O एज इट इज आ गया. अब आपने इंस्पेक्शन करनी होती है. एज आई सेड लास्ट टाइम, आपने नाइट्रोजन और सल्फर तो ऑलरेडी आप बैलेंस कर चुके हो, आपने अब चेक करना है उसके अलावा जो चीजें. पहले हम ऑक्सीजन करते हैं, हाइड्रोजन सबसे एंड पे. ऑक्सीजन अब देखो यहां पे कितने हैं, इसके अंदर हैं 3, 2 आर 6, इसके अंदर है ही नहीं. यहां पे कितने हैं 2, एंड यहां पे कितने हैं 1. ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव 6, ऑन द राइट साइड यू हैव 3 ओनली. सो राइट साइड पे आपने 6 बनाने हैं. अब मैं यहां पे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ हुआ है. यहां पे मुझे 1 को 4 बनाना पड़ेगा. अब आप देखो कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, 2 एंड 4 6 हो गए, और यहां पे हैं ही 6. अब पीछे मसला बच गया सिर्फ हाइड्रोजन का. पहले आप इनको रिमूव करो और इनके अंदर हाइड्रोजन का नंबर लिखो. इसके अंदर हैं 2 हाइड्रोजन, इसके अंदर हैं 3 2 आर 6 हाइड्रोजन. ऑन द लेफ्ट साइड आपके पास टोटल कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन. ऑन द राइट हैंड साइड आप देखो, इसमें तो है ही नहीं, इसके अंदर भी नहीं है, और यहां पे 4 2 आर 8 हाइड्रोजन. सो ओवरऑल ये जो अभी लिखा हुआ था, दिस हैज फाइनली बीन बैलेंस्ड. 2HNO3 प्लस 3H2S गिव्स यू 2 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 3 सिल्वर प्लस 4H2O. दिस इज हाउ वी बैलेंस एनी रेडॉक्स रिएक्शन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. इसे जो नेक्स्ट लेक्चर है, इट इज गोइंग टू बी अगेन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, और उसके अंदर हम यही वाला मेथड रिपीट करेंगे फॉर सेवरल मोर एग्जांपल्स.
इसके अंदर हम थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेंगे और हम उनको सॉल्व करेंगे बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड.